हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टेम। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने रूट और मॉडिफाइड रूट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ओनली जो स्टेम है उसका जो छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है 11th क्लास एनसीईआरटी का, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग ए स्टेम फ्रॉम द रूट। इस डिस्टिंग का मीनिंग होता है या स्पेसिफिक या विशेष, ठीक है, या स्पेसिफिक। वह कौन सा स्पेसिफिक फीचर है जो स्टेम और रूट को अलग अलग करता है या डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर द फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेम है ये असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस बियरिंग एक्सिस का, जो रखता है जिसमें ब्रांचेज होती है, लीव्स होती है और फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स किस में लगे होते हैं, ये सारे पार्ट स्टेम्स में लगे होते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसा कि हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था पहले किसी जर्मिनेट सीड का, उसके बारे में हम यहाँ पे उसको वापस बनाते हैं। ये कोई जर्मिनेट सीड है, एम्ब्रियो है उसका, और ये उसमें कोटिलेडंस हैं। उसमें दो पार्ट का फॉर्मेशन होता है। पहला ऊपर वाला जो एक्सिस अपर पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है प्लूमूल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट है रेडिकल, ठीक है। जो प्लूमूल है ये आगे चल के शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, या हम कहें स्टेम का फॉर्मेशन करता है। और जो रेडिकल है ये आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करता है, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सिस पार्ट होता है वो किससे बना होता है, प्लूम्यूल से बना होता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहां में जो स्टेम के बारे में यहां पर दिया गया है, इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेट सीड, ठीक है। जो स्टेम है ये इसका डेवलप किससे होता है, यह प्लूम्यूल से डेवलप होता है, ठीक है, ऑफ ए एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेट सीड। यहां पर हमने ये जर्मिनेट सीड का स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें यह है दो कोटिलेडंस, ठीक है, ये कोटिलेडोन है, इसलिए इसको कहते हैं डाइकोट प्लांट का सीड है, जो जर्मिनेट होके इसमें जो प्लूम्यूल है वो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, और जो रेडिकल है वो आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हम जनरली बहुत ही सिंपल सी टर्म ले रहे हैं, इसके बाद में हम ये सारी डिटेल, इन जो सारे प्लूम्यूल है रेडिकल्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बस हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो हमें ये पता चला कि जो स्टेम है इसका फॉर्मेशन किससे होता है, स्टेम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो स्टेम है जर्मिनेट जो एम्ब्रियो है उसके प्लूम्यूल से इसका फॉर्मेशन होता है स्टेम का। उसके बाद है द स्टेम बियरिंग नोड्स एंड इंटर नोड्स। जो स्टेम है उसके उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें दो स्ट्रक्चर होती है, नोड्स होते हैं और दूसरे इंटर नोड्स होते हैं। नोड और इंटर नोड क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये कोई स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है हमारा, खोखला है, ये स्टेम है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। यहां पर जो स्टेम्स का द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल नोड्स, या हम कहें कि वह रीजन जहां पर किसी लीव्स का बोर्न होता है या लीव्स का फॉर्मेशन होता है वो जगह क्या कहलाती है, वो रीजन क्या कहलाता है, वही रीजन नोड्स कहलाता है। तो ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये नोड हुआ जहां पर लीव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है,
यह वाला हमारा क्लियर हुआ कि जो वह रीजन जहां पर लीव का फॉर्मेशन होता है उसे ही क्या कहते हैं, उस रीजन को ही नोड कहते हैं। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ। दूसरा है, व्हाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, और इंटरनोड क्या है, इंटरनोड है द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, जो इंटरनोड है वो दो नोड्स के बीच का पोर्शन है। तो जैसे यहां पर एक लीव का फॉर्मेशन होगा वैसे ही ऊपर एक दूसरी लीव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट नोड होगा। ठीक है, और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, यहां पर लीव का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इनके बीच का जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, दो बिटवीन दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है यही क्या होता है, यह इंटर नोड होता है। ठीक है, आए समझ में, दो नोड के बीच का पोर्शन क्या होता है, इंटर नोड होता है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट था कि वह रीजन जहां पर किसी लीव का फॉर्मेशन होता है या लीव जहां से बनती है उस रीजन को क्या कहते हैं, उस रीजन को नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है या दो जो दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है वही क्या कहलाता है, वह इंटर नोड होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टेम बियर्ड बड्स। स्टेम पर क्या प्रेजेंट होती है, स्टेम पर बड्स प्रेजेंट होती है, विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो कि टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी बड्स भी हो सकती है। और ये दोनों क्या होती है, जैसे कि ये यहाँ पर हम आगे चलते हैं, ये रूट आगे बढ़ा और इसके एंड पर टर्मिनल पर एक बड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक बड का फॉर्मेशन हुआ, तो यह बड कौन सी होती है, ये इसको कहते हैं टर्मिनल बड। ठीक है, तो टर्मिनल बड क्या होती है, टर्मिनल जो बड स्टेम के टिप पर या स्टेम के टॉप पर डेवलप होती है उसे क्या कहते हैं, उसे टर्मिनल बड कहते हैं। ठीक है, तो जो टर्मिनल बड है उसका फॉर्मेशन क्या होगा, स्टेम के टिप पर उसका फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सिलरी बड है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेशन स्टेम के नोड पर जिसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती है नोड पर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड उसको कहते हैं। ठीक है, लीफ नोड पर किसका फॉर्मेशन होता है, एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो यहां पर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एक्सिलरी बड। जब हम लीफ पढ़ेंगे तब इसके इसके बारे में और वापस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होता है वो होती है टर्मिनल नोड बड्स, और जो नोड पर प्रेजेंट हो, लीफ नोड्स पर प्रेजेंट होती है वो कहलाती है एक्सिलरी बड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम, जब कोई प्लांट यंग होता है या कोई छोटा होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो स्टेम है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। एंड लेटर आफ्टर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। और जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसका वुडी, जो स्टेम है वुडी हो जाता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे, इसमें हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। उसके बाद जो स्टेम के फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन यह है कि जो ब्रांचेज है उसकी, उसको स्प्रेड करके रखना, जिस पर पत्तियां होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स लगे होते हैं। जैसे कि ये कोई स्टेम है, इस पर यहाँ पर ये, सॉरी, ये कोई ट्री है और इस पर ये स्टेम है, तो यहाँ पर जो लीव्स प्रेजेंट हैं उनको ये स्प्रेड करके रखता है, किनको, लीव्स को। और यहाँ पर इस पर क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट कंडक्ट वाटर, वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटेज। यहाँ पर यह कंडक्ट का वर्ड यूज हुआ है, यह किसको कंडक्ट करना करता है, वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल्स कंडक्ट करता है, और फोटोसिंथेट यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो मैटर फॉर्म होता है या जिस फूड, हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर उसकी रूट्स हैं,
और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये इसके ब्रांच है, इसके स्टेम्स हैं, और यहाँ पर एक लीव्स है, यहाँ पर लीव्स ले लेते हैं, ये लीव्स, ठीक है। यहाँ पर जो है वॉटर, वॉटर कंडक्ट करता है, जो रूट्स वॉटर को एब्सॉर्ब करती है वो यहाँ पर स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है, कौन? स्टेम, ठीक है। जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो सारे इसके स्टेम के थ्रू सारे कहाँ पहुँचते हैं? लीव्स तक पहुँचते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेज यानी कि जो फोटोसिंथेज क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड से हमें किसका प्लांट किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसका फॉर्मेशन किस पे होता है? लीव्स पर उसका फॉर्मेशन होता है। तो उसको लीव से लेकर सारे प्लांट तक उसको कंडक्ट करने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। हम यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो एक अलग ही सेपरेट चैप्टर है हमारी 11th क्लास में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको सारे में कंडक्ट करने का काम कौन करता है? स्टेम करता है, ठीक है। उसके बाद सम स्टेम्स परफॉर्म है फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। कुछ स्टेम्स ऐसे हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं पोटेटो है। पोटेटो एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का जो क्या फूड स्टोरेज करता है। उसी प्रकार जिंजर है, जिंजर अदरक, और उसी तरह है एक है टर्मरिक अदरक, सॉरी हल्दी, ये सारे क्या हैं? ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है जो फूड स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे या मॉडिफाइड स्टेम पढ़ेंगे तब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर लेंगे। उसके बाद सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है, वेजिटेटिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट में एक टर्म है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप है, यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल प्रकार का टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट रिप्रोड्यूस करता है किससे? स्टेम से, रूट से और लीव से। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ये सब किसके मेथड हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हैं। इनके बारे में हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब ये सारी चीजें आप वहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बातें यही थी कि स्टेम में क्या क्या कौन से स्ट्रक्चर किसी प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखें तो जो स्टेम का डेवलपमेंट है वो किससे होता है? वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, सॉरी अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम ए प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेट सीड। ये स्टेटमेंट अच्छा है कि जो स्टेम का डेवलपमेंट किससे होता है? जर्मिनेट सीड के प्लूम्यूल से इसका डेवलपमेंट होता है। स्टेम, द स्टेम बियर नोड और इंटर नोड, ये स्टेटमेंट आप जनरली याद रह जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड नोड्स, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं?
नोड जहाँ पर लीव का फॉर्मेशन होता है, लीव का बोन होता है, ठीक है, लीव्स का बोन होता है, उसे क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। इंटरनोड क्या है, उनके दोनों बीच का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बड्स हैं, टर्मिनल बड टिप पर प्रेजेंट होता है और ऑक्सिलरी बड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो लीव्स नोड्स पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इतना सा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, द स्टेम बियर बड्स विच में बी टर्मिनल और ऑक्सिलरी, इसको आप कर सकते हैं, आपको एक याद रह जाएगा ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। हम अगर किसी जनरली किसी पेड़ को देखें तो हमें पता रहता है कि जो स्टेम पर ही सारे लीव्स लगे होते हैं, फ्लोवर लगे रहते हैं, और उसी पर क्या होते हैं, उसी पर फ्रूट रहते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तब हमें यह समझ में आ जाता है कि फूड का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, और लीव्स से ही सारे प्लांट में उसका उसको पहुंचाया जाता है या उसका स्टेम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, मिनरल्स जो रूट से होते हैं लेकिन कहाँ तक पहुँचते हैं, लीव्स तक पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरली जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब आपको आसानी से याद रह जाएगी। और यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें किसी भी प्लांट पार्ट का, जैसे कि रूट हुआ, स्टेम है, लीव्स हैं, ठीक है, इनसे क्या है कि किसी प्लांट का फॉर्मेशन, नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें ये प्लांट एज ए प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ठीक है, तो ये इतना सा ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्लांट के जो स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस हैं, उसके टाइप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फूड स्टोरेज करने के लिए और एरियल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो सारे हम उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।